केदारनाथ पैदल यात्रा के लिए एनजीटी के नियमों का हवाला देकर घोड़े खच्चरों की संख्या सीमित कर दी गई है। वहीं आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बावजूद इसके यदि कोई घोड़ा खच्चर संचालक बिना लाइसेंस के यात्री को लाते और ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपए के जुर्माने का प्राविधान रखा गया है। अब इसी बात को गौरीकुंड ट्रेड यूनियन एक बड़ा खेल बता रही है। अवतार सिंह नेगी का कहना है कि अधिकारियों ने खाने कमाने की ये नई दुकान खोल दी है। उनका कहना है कि बावजूद इसके अवैध घोड़े चल रहे हैं जो सवारियों से 5,000 रुपए तक लेकर यात्रा करवा रहे हैं और बाद में सिर्फ 1,000 रुपए का चालान भरकर छूट जा रहे हैं। अवतार सिंह ने आरोप लगाया कि पशुपालन विभाग के डॉक्टर जिन्हें घोड़े खच्चरों का इलाज करना था उस विभाग के डॉक्टर चालान काटने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा खेल हो रहा है। इसी मामले को लेकर गौरीकुंड में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों और पशुपालन के डॉक्टरों में तीखी नोकझोंक भी हो गई। मुझे फोन करना था, उल्लू बना रहे थे। आप कई दिनों से उल्लू बना रहे, 10 दिनों से मैं कह रहा हूँ दुकान बंद करो, ये दुकान बंद करो, ये दुकान बंद करो, आप आज बंद करवा, ये दुकान बंद करो, अभी इनके पास एक इंजेक्शन भी है यहाँ पे, अगर किसी घोड़े की डॉक्टर है किसी घोड़े का मल्लम लगा नहीं चालान करने के लिए आपको टिकट किसने किया मुझे ये तो बताओ, उस अधिकारी का नाम बताओ मुझसे जाते। सीनियर साहब ने बोला, अगर सीनियर साहब ने ये बोला, सीडियो ने बोला, डीएम ने बोला, किसने बोला, किसने बोला, सिर्फ ये बताओ कि इस अधिकारी के आदेश पर हम चालान कर रहे हैं। जिला पंचायत की बुक क्यों पकड़ रखी है आपने? आप वेटरनरी के डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, आप जो है कि जिला पंचायत के रेवेन्यू एजेंट बने हुए हैं, क्यों बने आप रेवेन्यू एजेंट क्यों बने हैं जिला पंचायत? क्या मजबूरी फंस गई आपकी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, गलत बात, ये गलत बात है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके पद का सम्मान करने के लिए कुछ नहीं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, रात बैठ करके दिन भर आप हमसे ये मत कहना अगर लाइसेंस ये वाला बंद करो, मत करो ना, मत करो, ये कोई तरीका ही नहीं है, आप इलीगल काम करो। इसमें अपने घर पे नहीं कर रहे, अरे भाई किसके घर पे कर रहे हो आप, किसके घर पे कर रहे हो आप, चलो भीड़ मत लगा दिया, किसके घर पे, ये बुक जो आप मुझे कमा रहे हैं, जिन्होंने आपको दिया है ना ये बुक, उसको तो ये कोई तरीका ही नहीं है ना, ठीक है देख लेंगे, क्या देख लेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, माल के घोड़े पे सवारी कर रहे नहीं कर रहे हैं भाई, माल के घोड़े पे, माल के, हम अब यहाँ से जाइए, नहीं हम नहीं जा रहे, हमारे बोलने वाला वही है कि हमारे पास 500 माल है, वो माल कौन डालेगा, ठीक है ना, इस अवैध वसूली के खिलाफ हम आंदोलन पर बैठे, या ये जिला पंचायत की जो अवैध वसूली है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, ये बैठेंगे और जाम करेंगे, फिर आप बताएंगे किसने आपको दिया है ये बुक, किसने दिया है, ये आपको बताऊंगा, खुलेगा ये आंदोलन जब आप बताएंगे ये आपको जिला पंचायत के पास कर्मचारी नहीं है कोई, जिला